हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आय सूत्रा। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, आज के जो मोटिवेशनल कोट है, इसमें बोला गया है टू बी द बेस्ट यू मस्ट बी एबल टू हैंडल द वर्स्ट। मतलब अगर आपको सबसे अच्छा बनना है तो आपको आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो लाइफ में बिल्कुल वर्स्ट वर्स्ट फेज आता है, मतलब एक ख़राब दौर आता है जिसे आप बिल्कुल वर्स्ट बिल्कुल बेकार बोलते हैं, उस दौर को आपके अंदर झेलने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब लेट से फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी बिजनेस में हैं या फिर कोई और जगह पे हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी आप लाइफ में बड़ा अचीव करने के लिए चल रहे हैं, तो अगर मान लीजिए एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम नहीं पहली बार क्वालिफाई हुआ, दूसरी बार क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ये ऐसा टाइम आता है फिर आपके लाइफ में जब आपको अपने आप को एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्योंकि ये कोई दुनिया में सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हैं जो लाइफ में जिसे फेलियर मिल रहा है। हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे वो फेल होता ही होता है, तो इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ टाइम, वो पास हो जाएगा और फिर आप वहाँ से सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यही बात बोली गई है, आप इसे हमेशा याद रखिए कि हमेशा बुरे दौर में स्ट्रांग रखिए अपने आप को और बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके आगे बढ़िए। तो दोस्तों, ये था आज का टोटल मोटिवेशनल कोट। दोस्तों, मैं जो ये लेक्चर बनाता हूँ, ये UPSC बैंकिंग SSC और जो भी दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, वन डे एग्ज़ाम जिन्हें आप बोलते हैं, हर उस जगह पे रेलेवेंट है। इसकी जो न्यूज़ है, मैं डिटेल्ड जो न्यूज़ एनालिसिस करता हूँ, ये रेलेवेंट है। और जो आम लोग हैं, एक आम आदमी जो अपने आप को करंट से अपडेट करके रखना चाहता है, वो भी ये वीडियो देख के अपने आप को एक नॉलेज जो गेन कर सकता है। तो सभी लोगों के लिए ये रेलेवेंट वीडियो होता है जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले ले लेता हूँ कोरोना अपडेट। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग वर्ल्ड के अंदर 1,64,94,128 पॉजिटिव केसेस टोटल निकल के आ चुके हैं। इनमें से अच्छी बात ये कि 1,95,354 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं और 6,53,434 लोग कोरोना की वजह से विश्व भर में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे टॉप पे, तो टॉप पे USA, सेकंड पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पांचवे पे साउथ अफ्रीका बना हुआ है। इंडिया में अब रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं, हर रोज़ लगभग 50,000 के आसपास के केस आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक भयावह सिचुएशन होने वाली है। अगर इंडिया की देखें तो इंडिया में लगभग इस समय टोटल 14,66,000 केसेस आ चुके हैं और इनमें से 99,36,000 के आसपास लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं और जो 33,129 लोग हैं, ये कोरोना की वजह से इंडिया के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आप ये इसका आइडिया रख सकते हैं, जिससे कि आप डेली हर रोज़ अगर आप ये न्यूज़ देखते हैं तो आपको एक अपने आप को एक अवेयरनेस आपके अंदर आती है कि कैसे आपको सोसाइटी में अपने आप को इस लेवल पे सेव करके चलना है, प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेके चलने हैं, जिससे कि आप कहीं इस वायरस के चपेट में ना आ जाएं। इसीलिए मैं रोज़ ये न्यूज़ डिस्कस करता हूँ सबसे पहले। फिर सबसे पहले अगर न्यूज़ यहाँ पे इस पे चलूँ, आज की प्रीलिम्स शॉर्ट न्यूज़, तो यहाँ पे अभी बात की जा रही है टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया, इंडिया रशिया इसमें मिल के जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट करेंगे और अपना जो कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम है उसको आगे ले जाएंगे। तो आप देखेंगे इसमें जो पार्टनर्स होंगे, फिक्की जिसे आप बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड फेस FASII जिसे आप बोलते हैं फाउंडेशन फॉर असिस्टेंस टू स्मॉल इनोवेटिव एंटरप्राइजेज ऑफ रशियन फेडरेशन। तो ये दोनों पार्टनर करके जॉइंट वेंचर एक मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें दोनों साथ में काम करेंगे, इंडिया और रशिया। इस प्रोग्राम से हमें हेल्प मिलेगी कि हम इंडियन और रशियन जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं एक अमलगमेशन कर पाएँ, एक मिलान कर पाएँ, एक हारमोनी लेके चल सके, जिससे कि दोनों लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें और जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से अडेप्ट करें, जिससे कि आगे फ्यूचर में और लेटेस्ट इनोवेशंस देखने को मिले। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे ये प्रोग्राम जो है इसमें 2 एनुअल साइकिल्स में रन करेगा, इसमें 5 प्रोजेक्ट फंड किए जाएंगे हर साइकिल में। आप देखेंगे इसमें ज़्यादातर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोकस करके रखा जाएगा और इसमें आप देखेंगे कि IT एंड ICT जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AR VR, उसके बाद मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर जैसे हो गया, विंड हो गई, ये सब एनर्जी का यूज़, एरोस्पेस कैसे हम जो आप देखेंगे
अलग अलग जो हम फाइटर जेट्स होते हैं और जो दूसरी सबमरीन्स वगैरह, इस पर काम करेंगे। ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, एनवायरनमेंट पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस देंगे, मतलब कैसे हम एनवायरनमेंट को लिए सस्टेनेबल काम कर सकेंगे, कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करके चल सकेंगे। मान लीजिए लेट से कि फ़िशिंग करनी है, मान लीजिए जो फ़िशिंग हो रही है इसे हम इस लेवल पे फिशिंग करें कि आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये फिशिंग जो फिश है इसकी प्रजाति ख़त्म ही हो जाए। इसको इस लेवल पे करें कि थोड़ी मान लब इसको इसको अपना जो नेट डालते हैं उससे ये निकालें फिश और थोड़ी छोड़ दें, जिससे कि वो वापस ब्रीड कर सके, वापस रिप्रोड्यूस कर सके और उनकी जो एक पॉपुलेशन का बैलेंस है वो बना रहे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हर एक चीज़ का एक एंगल लेके समझना ज़रूरी है। उसके बाद आप देखेंगे न्यू मटेरियल्स, बायोटेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स, ये सारे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ह्यूज एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। प्रोग्राम ये ज़्यादा एक एक्सेस प्रोवाइड कराएगा पार्शियल पब्लिक फंडिंग, जिससे कि जॉइंटली सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें, एटलीस्ट वन स्टार्टअप या फिर SME जिसे बोलते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फ्रॉम इंडिया एंड SME फ्रॉम रशिया। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फ्रॉम रशिया और इंडिया दोनों लोग मिलके काम करेंगे, छोटे मझोले उद्योग होते हैं ये मिलके काम करेंगे, तो काफ़ी अच्छा एक आप देखेंगे रिलेशन देखने को मिलता है, ना कि हमारा बायलेटरल रिलेशन जो है वो काफ़ी इंप्रूव होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे जो हमारे कल्चरल टाइज हैं, चाइना को एक टैकल करने की जो अप्रोच है वो सब में हेल्प हमें इससे मिलती हुई नजर आएगी। इसके बाद आप देखेंगे एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग, मेंटरशिप और बिजनेस डेवलपमेंट के फील्ड में, कैसे जो नए नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं उनको हेल्प करी जाएगी, उनको एनहांस किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको स्किलिंग उनकी स्किलिंग करी जाएगी, स्किल दिया जाएगा, जिससे कि वो आने वाले टाइम में एक पूरे ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे अपनी एक छाप छोड़ सकें। तो ये बेसिक चीज़ थी इंडिया रशिया रिलेशन, आप देख सकते हैं कि कैसे अच्छे लेवल पे ले जाई जाने की कवायद है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे डायनेमिक शिफ्ट इन इंडियन इकोनॉमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने बोला है कि डायनेमिक शिफ्ट इन इकोनॉमी इज़ अंडरवे, मतलब आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी अगर हम इन 5 चीज़ों में अच्छे से ध्यान दें, जैसे फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, अच्छे से किसानों पे ध्यान दें, उनकी फसल बर्बाद हो रही है तो उनको प्रॉपर एक सुविधा प्रोवाइड कराएं, उनको पैसा प्रोवाइड कराएं जिससे कि वो दोबारा अपने आप को रिकवर कर सकें। रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कि आप देखेंगे ज़्यादातर सोलर हो गया, विंड हो गया, ये सारी चीज़ों पे, हाइड्रोजन हो गया आने वाले टाइम में, इन सब चीज़ों पे अच्छे से हम फोकस करके चल सके, जिससे कि आप देखेंगे हमारी जो पोल्यूशन लेवल है उसे कंट्रोल किया जा सके। और जो आप देखेंगे क्लाइमेट एक्शन है, क्लाइमेट एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज जो पोल्यूशन होता है इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, पैसा खर्च होता है, तो उसको कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक कंट्रोल करने की बात की जा रही है कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे। अभी आपने देखा दिल्ली में बड़े बड़े टर्बाइंस लगाए जा रहे हैं, एयर टर्बाइन, जिससे कि जो पोल्यूटेड एयर है उसको बाहर फेंका जा सके। उसी प्रकार आप देखेंगे ICT हो गया, ग्लोबल वैल्यू चेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबल वैल्यू चेन्स में आप देखेंगे जैसे इंडिया और चाइना है, तो इंडिया को अगर चाइना से आपकी डिपेंडेंसी देखिए तो रॉ मटेरियल्स की ह्यूज डिपेंडेंसी है, मतलब हम जब चाइना से रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे अपनी जेनेरिक मेडिसिन बनाने के लिए तो बिना चाइना से रॉ मटेरियल लाए नहीं बना पाएंगे, तो इसे बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू चेंज। इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना से है, चाइना की डिपेंडेंसी किसी और से है और दूसरे कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी हम पे है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट लाने की ज़रूरत है। इसी साथ आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे फोर्स मल्टीप्लायर्स विल लीड टू सीजेबल बेनिफिट्स ऑन इकॉनमी, इन सब चीज़ों से हमारी इकॉनमी काफ़ी अच्छे लेवल पे इम्प्रूव करेगी। RBI के जो गवर्नर है उन्होंने बोला कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये इसका जो सरप्लस मैनेजमेंट है इसको प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है रादर देन सेल्फ सफिशियंसी। सेल्फ सफिशियंसी मतलब क्या दोस्तों, आज की डेट में हमारे देश में हमारे किसान इस लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइस हो, वीट हो, दाल हो या जो भी चीज़ें, हर चीज़ का सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसको प्रॉपरली अगर मैनेज ही कर लिया जाए तो हम काफ़ी हद तक ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ये बात करी जा रही है। इससे क्या होगा, जब हम खुद से ही अच्छे से मैनेज करके चलेंगे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों में, जैसे आप देखेंगे तेल के लिए और दालों के लिए, हम इतना मैक्सिमम वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें अगर इम्पोर्ट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। तो इन्हीं लूप होल्स को अगर हम एड्रेस कर पाएंगे तो हमारी इकोनॉमी एक नए और अच्छे लेवल पर जाती हुई नज़र आएगी, ये आप समझ सकते हैं। इसमें यह भी बोला गया जो गैप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसे कहीं ना कहीं एड्रेस करने की जरूरत है, जिससे कि उसमें भी हम जब ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, अच्छे से बूस्ट करेंगे, अच्छी जो वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास रोड्स बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास टूरिज्म स्पॉट्स बनाएंगे, तो उससे भी हमारी इकोनॉमी और इनडायरेक्टली इफेक्ट होगी और हमारी इकोनॉमी अच्छे लेवल पर जाती हुई नजर आएगी, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ बात की जा रही हाई थ्रूपुट COVID-19 टेस्टिंग, हाई थ्रूपुट को जो फैसिलिटीज़ है इससे हेल्प मिलेगी कि हम अपनी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है देश के अंदर उसे स्ट्रेंथन कर सकें, मजबूत कर सकें और जल्दी से जल्दी COVID-19 का जो पेशेंट है उसको डिटेक्ट कर सकें, उसको ट्रीट कर सकें। आप देखेंगे इससे हेल्प मिलेगी असिस्टिंग जो हमारा जो पैंडेमिक इस समय COVID-19 फैला हुआ है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बात की जा रही है हाई थ्रूपुट COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की हेल्प से। अभी आप देखेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है वो सेटअप करी गई ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा के द्वारा, उसके बाद नोएडा के अंदर में, उसके बाद ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई के अंदर में, उसके बाद ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंट्रिक डिजीजेस कोलकाता में। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। कैंसर का प्रिवेंशन रिसर्च कहाँ है, नोएडा में। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च कहाँ है, मुंबई में। उसके बाद कॉलरा और एंट्रिक डिजीजेस का नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोलकाता में। डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों बनता है ऐसा कि ये कहाँ सेटअप किए गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये लगभग पर डे 10,000 सैंपल्स तक टेस्ट करेंगे और उसके बाद अपना आगे उसके रिजल्ट देंगे। जो लैब होगा इससे हेल्प मिलेगी कि हम रिड्यूस कर पाएंगे जो टर्न अराउंड टाइम है एक्सपोजर ऑफ लैब पर्सनल। इससे जैसे आप देखेंगे बहुत सारे जो लैब में लोग काम करते हैं वो सारे जो काफ़ी बार इस वायरस के चपेट में आ जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल, उनको वायरस ना वो चपेट में आ जाए उसके, उस दिशा में भी इन्फेक्शियस क्रिमिनल जो क्लिनिकल मटेरियल्स हैं इसमें यूज़ करके अच्छे से उनको भी बचाने की बात की जा रही है। तो ओवरऑल होलिस्टिक एक अप्रोच लेके चली जा रही है, जिससे कि आपको अगर मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं तो जो जान जो खतरे में है उसकी भी जान, मतलब पेशेंट की जान और डॉक्टर दोनों की जान अच्छे से बचा के चलने की बात की जा रही है। क्योंकि हमारे जो भी आप देखेंगे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं यही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से जो लैब में जो हमारी टेस्टिंग करते हैं, जो डॉक्टर्स हमारे ट्रीटमेंट करते हैं, जो ICU में लगे हुए हैं लोग, जो पेशेंट्स को मैनेज करने में, ICU कंट्रोल करने में, तो ये सारे लोगों को एक अलग लेवल की एक टेक्नोलॉजी से हमें अपना एक बचाव करने की ज़रूरत है, जिससे कहीं हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ही कहीं इस बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। तो फिर अगर ये बीमारी की चपेट में आ जाएंगे तो हम कैसे बचेंगे, यही बेसिक बात है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है पोलर बियर्स की, पोलर बियर्स के बारे में। ये देखिए पोलर बियर बहुत ही सुंदर जानवर होता है, आपको जो अंटार्कटिक रीजन है वहाँ पे ये देखने को मिलता है, पूरे जो बर्फ है उस पर ही रहता है ये। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादातर जो पोलर बियर्स हैं उनको बोला जा रहा है कि ये ख़त्म हो जाएंगे इस सेंचुरी के एंड तक। तो ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे एनवायरमेंटलिस्ट के लिए, हमारी सरकारों के लिए, क्योंकि ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको कभी भी आप नहीं देखेंगे कि चुनाव में कोई बोल रहा है कि हाँ भाई हम एनवायरमेंट के लिए काम करेंगे, हाँ हम क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेंगे, हाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े जंगल लगाएंगे, तो ये सारी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। इसी वजह से आप देखेंगे कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे ऐसे जो सुंदर सुंदर जीव हैं, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, वो सब खत्म होते हुए जा रहे हैं, वल्नरेबल जो कंडीशंस में हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पोलर बियर्स अगर जो उनकी जो खाने का जो बेसिक वो खाते हैं वो होती हैं आइस सील्स, जो सील्स होती हैं जिसे आपने देखा भी होगा समुद्रों में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में, ब्लैक कलर की होती है, उनको खाते हैं और उनकी वहीं पे
अगर उनकी हंटिंग के लिए वो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, समुद्र में सील्स नहीं आएंगी, तो वो कैसे उसको खाएंगे और कैसे वो रिप्रोड्यूस करेंगे। इस सारी वजह से आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज का क्या हाई लेवल इम्पैक्ट पड़ रहा है। एमिशंस की वजह से आप देखेंगे जो सी आइस है वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पोलर बियर की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा घटती हुई नज़र आएगी। तो ये एक आप आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की। इंडिया को रैंक किया गया थर्ड रैंक मिली है, जो कि एक आप अच्छी बात बोल सकते हैं, टॉप 10 कंट्रीज़ में रखा गया है, क्योंकि हमने अपने जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं पिछले 10 सालों में लगभग इसमें बढ़ोतरी करी है 2% की। टोटल फॉरेस्ट आप देखेंगे इंडिया में, जो टोटल ग्लोबल वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट है उसमें 2% जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का देखने को मिलता है, और इंडिया में 0.38% का एनुअल गेन हुआ, मतलब 0.38% जंगल बढ़ गए पिछले साल की तुलना में। तो ये अगर एरिया आप देखेंगे 0.38% का, तो ये बैठता है लगभग 266,000 हेक्टेयर्स। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया अब आ गया है इंडिया का फॉरेस्ट के अंदर में। तो ये आप बोल सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी एक अच्छी खबर है। गवर्नमेंट ने एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया, जिससे कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला फॉरेस्ट के ग्रोथ में। उसके बाद जो मैनेज फॉरेस्ट एरियाज़ हैं एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आप देखने को मिली, हेल्प मिली, जिससे कि हम कहीं ना कहीं इस ग्रोथ को अचीव कर पाए। तो ऐसे ही हमारे देश में जो सरकारें हैं उनको एनवायरनमेंट के लिए काम करना होगा, और ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं अलग अलग वर्ल्ड में। आप देखेंगे जो रिपोर्ट्स आती हैं वहाँ पे अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। वैसे ही जो वर्ल्ड की दूसरी टॉप कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हो गया, USA हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे देशों को भी एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल स्टेप्स और ज़्यादा अच्छे से लेने की ज़रूरत है, जिससे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जैसे डिज़ास्टर आप देखेंगे आंधी, बाढ़, पानी, उसके बाद आप देखेंगे जंगल में आग लगना, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर यहाँ पे बात की जा रही है टॉप इंडियन ओरिजिन CEOs, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इंडिया के अभी जो नए हैं श्री अरविंद कृष्णा, इनको IBM का चीफ बनाया गया है, ग्लोबल हेड बनाया गया है, जो कि एक बींग एन इंडियन आपको गर्व इसके लिए महसूस होगा, क्योंकि हमारे देश के जो टॉप के जो टॉप की वर्ल्ड कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, वहाँ पे इंडियंस का दबदबा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर सत्या नडेला हो माइक्रोसॉफ्ट के CEO, या सुंदर पिचाई हो अल्फ़ाबेट और गूगल के CEO, उसके बाद आप शांतनु नारायण अडोब, जो आप रीडर यूज़ करते हैं, उसके प्रेसिडेंट और CEO हैं, अजय बांगा मास्टर कार्ड के CEO हैं, तो ये सब उसके बाद अब श्री अरविंद कृष्णा, ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा अचीवमेंट आप बोल सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि IBM का अभी एक लेटेस्ट इंडियन CEO ग्लोबल हेड अपॉइंट किया गया, उसका डायरेक्ट नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, अरविंद कृष्णा इनका नाम है। सबसे पहले आप अगर मेंस का अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें बात की जा रही है, रीसेंट इंसिडेंट्स इन तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश हैव हाईलाइटेड द नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया क्रिटिकली एग्जामिन। हाल ही में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में हुई घटनाओं ने गंभीर रूप से जांच के लिए पुलिस सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। मतलब पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस की जो वर्किंग है, वो आप देखेंगे। आप अभी बिकरू में, UP के अंदर बिकरू में कांड हुआ जिसमें विकास दुबे को मारा गया, उसी जिसे आप बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मतलब कस्टोडियल डेथ, मतलब पुलिस की कस्टडी में ही मार दिया गया। ऐसा ही एक वाकया निकल के आया था तेलंगाना में, जहाँ पे एक वेटरनरी डॉक्टर थी, उसका रेप हुआ, रेप करने के बाद उसके जो कल्प्रिट्स थे उनको भी कस्टोडियल डेथ में मार दिया गया। उसके बाद एक और केस आया अभी तमिलनाडु में, जहाँ पे आपने देखा कि एक बेटा और उसके पिताजी वो करते थे मोबाइल की शॉप थी उनकी, वो उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे मोबाइल की शॉप अपनी खोली, पुलिस आई उनकी, उस लड़के को उठा के ले गई और उस लड़के को कस्टडी में इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसके फादर की भी डेथ हो गई। तो ये सारे आप बोल सकते हैं पुलिस के पास जो एक्स्ट्रा जो पावर का यूज़ करके जो अपने खुद से ही न्याय देने की जो कोशिश करती है, इन सारी वजहों से जो लोगों का आप बोल सकते हैं जुडिशरी से काफ़ी ज़्यादा विश्वास उठता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि पुलिस का काम होता है कि वो
एक मुजरिम को या क्रिमिनल को पकड़े और कोर्ट में पेश करें, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी धाराएं लगाएं, आईपीसी में जो बड़ी बड़ी धाराएं वो लगाएं, उसके ऊपर एक तगड़ी चार्जशीट फाइल करें, उसके बाद कोर्ट में पेश करें। वो काम फिर कोर्ट का होता है कि वो उसे क्या फैसला क्या सज़ा सुनाती है। तो यही सारी बातों पे बात की जा रही है कि क्या कुछ हमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए पुलिस में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इनॉर्मस पावर, पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है इस समय, जिससे कि आप वो आप अक्सर देखेंगे वो लोगों को, आपने नॉर्मल देखा होगा कहीं पे भी पुलिस वाले ज़रा सी बहस हुई तो वो थप्पड़ मार देते हैं किसी को, गाड़ी को रोकते हैं और फिर गाड़ी से चाबी निकाल लेते हैं, या फिर बदतमीजी से बात करते हैं, गाली देते हैं। ऐसा ही अभी एक केस मैंने आज के ही एक लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हमारे यहाँ पे एक पुलिस वाले ने गाड़ी की चाबी निकाली और जब वो मोटरसाइकिल वाला बहस करने लगा पुलिस वाले थे, तो उसने उसकी जो चाबी थी वो उसके माथे पर ऐसी मारी कि वो माथे में घुस गई उसकी चाबी। तो आप सोचिए पुलिस का क्या ये बेकार रवैया नहीं है, जो कि उसे एक दोस्त की तरह सोसाइटी के अंदर लोगों से मिलकर रहना चाहिए जिससे कि कोई डरे ना। अगर ऐसा रवैया रहेगा पुलिस का तो कैसे लोग पुलिस पे भरोसा करेंगे और पुलिस से एक अच्छा नॉर्मल बिहेवियर रख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप पुलिस जो पुलिस और पॉलिटिशियंस की जो मिली जुली एक सरकार हमेशा देखने को मिलती है, जैसे पुलिस को तो आप देखेंगे पुलिस की और जो पॉलिटिशियंस की मिली जुली सरकार होती है, पॉलिटिशियंस पुलिस को सपोर्ट करते हैं और पुलिस पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करती है। तो इसी तरीके से जो जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो इसी का फ़ायदा उठाते हुए पनप जाते हैं, वो पॉलिटिशियंस का सहारा लेते हैं, पुलिस वालों का सहारा लेते हैं और बड़े पैमाने पर वो क्राइम को अंजाम देते हैं। तो यही बात यहाँ पर बोली गई, इसको प्रॉपरली जो म्यूचुअल इनकी अंडरस्टैंडिंग, इसको कहीं ना कहीं तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस को एक स्वायत्तता होनी चाहिए, एक पूरी फ्रीडम होनी चाहिए अपने हिसाब से काम करने की। किसी की भी ऊपर से जोर जबरदस्ती होगी तो पुलिस अपना काम नहीं कर पाएगी सही से। उसके बाद आप देखेंगे पुलिस का जो बर्डन है उनकी ड्यूटीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। वो मतलब आप देखेंगे पुलिस वाले कई बार घर उनको जाने को नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती, 24-24 घंटे वो बेचारे ड्यूटी करते हैं और उनको छुट्टियां भी बहुत कम मिलती है। तो ये सारे भी ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे वो उनको और वॉयलेंट बना देती हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रेस में डालती हैं। उसके बाद जो उनकी कार्य प्रणाली है, वर्किंग आवर्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है और उस हिसाब से उनको सबसे बड़ी चीज़ ये कि सैलरी नहीं मिलती, सैलरी कम है, काम ज़्यादा है, तो कैसे पुलिस वाले करेंगे, रिश्वत लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आप उनको उनकी सैलरी बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे करप्शन कम होगा पहली चीज़, उसके बाद वो काम अपना काफ़ी अच्छे से करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे चाहिए कि जो बहुत जो ह्यूज अनफिल्ड वैकेंसीज़ हैं, जो जॉब खाली पड़ी हैं कांस्टेबल की, इंस्पेक्टर्स की, डिप्टी एसपीज की, और ये सारी जॉब्स को प्रॉपरली टाइम टू टाइम फुलफ़िल करने की ज़रूरत है जिससे कि वैकेंसी ना क्रिएट हो पाए ज़्यादा। स्टेट गवर्नमेंट्स आप अगर देखेंगे तो सिर्फ 1.2 से 2.7% के बीच ही खर्च करती हैं पुलिस के एनुअल बजट पे, मतलब सैलरी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उस पे बहुत ही ज़्यादा कम खर्च किया जाता है। तो इसे कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद आप देखेंगे जो वेपन्स हैं हमारी पुलिस के पास, आपको देखेंगे अच्छे वेपन्स नहीं होते, अच्छी बंदूकें नहीं होती, अच्छी राइफलें नहीं होती, अच्छे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, बाइकें नहीं होती। जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स से ज़्यादा एक अच्छी टेक्नोलॉजी पुलिस वालों के पास होनी चाहिए, तभी वो क्रिमिनल से आगे निकल के उनको पकड़ पाएंगे। तो जब अच्छी उनके पास चीज़ें ही नहीं अवेलेबल हैं तो वो कैसे कहीं ना कहीं क्राइम को टैकल कर पाएंगे, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो कभी भी अपना जो पुलिस के ऊपर कंट्रोल है वो नहीं देंगे, मतलब हमेशा वो पुलिस को अपने अंडर में ही रखेंगे। जबकि पुलिस को चाहिए कि एक इंडिविजुअल डीजीपी है, उसकी जो जवाबदेही है वो सिर्फ और सिर्फ अगर जनता के प्रति होगी कि जनता जैसा वो अच्छा काम करेगी तो वो एग्जीक्यूटिव जो होगा वो अच्छे से उसको आगे एक्सटेंशन दिया जाएगा, नहीं तो उसको रिटायर कर दिया जाए, इस तरीके का कुछ बात करी जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे जो कमिश्नर प्रणाली है इसको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बताया जाता है कि ये भी एक ऑप्शन है जहाँ पे पुलिस जो कमिश्नर लेवल के कमिश्नरी होती है वही काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो देखता है। तो ये एक आप चीज़ समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सजेशन दिए हैं कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट सिक्योरिटी कमेटी नेम रिमेन लार्जली इग्नोर्ड, जो
स्टेट सिक्योरिटी कमेटी है उसके जो पॉइंट्स होते हैं, उसकी जो गाइडलाइंस होती हैं, उसको अक्सर इग्नोर किया जाता है, जिस वजह से हमारी पुलिस अंडर परफॉर्म करती हुई नज़र आती है। और इसी वजह से आपको इतने बड़े बड़े क्राइम देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो क्रिमिनल नेक्सस होता है, इसको अगर आप मान लीजिए कोई किसी ने पहली बार कोई क्राइम किया और क्राइम करने के बाद उसे इसी टाइम पर सज़ा अच्छी मिल जाए, उसको जेल भेज दिया जाए, तो दोबारा वो जल्दी क्राइम नहीं कमिट करेगा। लेकिन यहीं पे जो उसने क्राइम किया, इसने पैसा दे दिया और ये छूट गया, तो उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं कि अरे पुलिस का क्या, पुलिस को पैसा दे दो और वो हमें छोड़ देगी। तो ये सारी चीज़ों से एक मेंटालिटी उनकी क्रिएट हो जाती है कि पुलिस तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, और बहुत ज़्यादा होगा तो किसी पॉलिटिशियन के पास चले जाएंगे, वो हमें सपोर्ट कर देगा। तो ये सारी जो डिपेंडेंसी है ये ख़त्म होनी चाहिए। पुलिस को हमेशा एक बेसिक लेवल पे काम करना चाहिए। जैसे हमारे देश में डिसेंट्रलाइज लेवल की बात की जा रही है, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की बात की जाती है, कि बेसिक्स पे ही काम आप करेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो ये था टोटल रिफॉर्मिंग पुलिस से रिलेटेड चीज़। यहाँ पे बात की जा रही है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़। GS3 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा ये SpaceX, ये SpaceX एक अब ये इसे इसके थ्रू अमेरिका की एक जो स्टार्टअप है जिसे एलॉन मस्क के द्वारा चलाया गया, उसमें आप देखेंगे एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भेजा गया, इसमें बिठा के जो ये पूरा सैटेलाइट है इसमें इसको स्पेस स्टेशन स्पेस है, इसे एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, मैं वो आपको बताऊंगा। तो इसमें ये पूरी प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये अगर नासा के साथ मिलके काम कर सकता है तो हमारे देश में इसरो के साथ भी ऐसे ही स्पेस एक्टिविटीज़ प्राइवेट तौर पर करी जा सकती है, जिससे कि हमारा जो इसरो है वो और अच्छे से काम कर सके, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान दे सके, और जो भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल चेंजेस हैं उसमें प्राइवेटाइजेशन का अगर रोल रहेगा तो इसरो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यही बात यहाँ बोली जा रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ इसरो अगर आप देखेंगे तो इंडिया को ग्लोबल प्लेयर बनाने में इसरो ने काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले किया है, लॉन्चिंग सैटेलाइट्स हो या स्पेस एक्सप्लोरेशन हो। उसके बाद आप देखेंगे इसरो ने बहुत इनोवेटिव टेक्निक्स का इजाद किया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, टेलीमेडिसिन हो या टेली एजुकेशन हो, नेचुरल रिसोर्स सर्वे हो या नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हो, हर जगह इसरो का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जिससे हमारी सोवरनिटी और इंटीग्रिटी भी प्रोटेक्ट होती है। उसके बाद आप इसरो को देखेंगे तो इसरो एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि डिटेल्ड इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ये प्रॉपर तरीके से करी जा सके। यहां पे अगर आप देखेंगे इसरो के पास एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जिसमें आप देखेंगे जो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल मिशंस जो होते हैं, जैसे आप देखेंगे एटमॉस्फेरिक स्टडीज जिसमें करी जाती हैं, कॉम्प्लेक्स मिशंस जैसे कि मून और मार्स पे हुए, जो अभी आप देखेंगे मिशन मंगल हमारा बिल्कुल सफल रहा था, उसके बाद अब हम गगनयान पे काम कर रहे हैं, उसी बीच अभी चंद्रयान थोड़ा सा हमारा उसमें फेलियर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं लैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, लेकिन आप बोल सकते हैं कि अचीवमेंट था ये मेरा, क्योंकि उस हिस्से मून के उस हिस्से में हमारे उतरने की बात थी जहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं जा पाया था। तो कोई नहीं, जितना आप फेल होते हैं तो वो सीखते हैं, सक्सेस रेट फिर आपका और बढ़ जाता है। ऐसे ही जो इसरो है काफ़ी अच्छे से उसने इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है उसका यूज़ किया है, एकेडमिक टैलेंट जो आप देखेंगे अलग अलग जो एकेडमिक टैलेंट से 10th और 12th लेवल पे जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, डीआरडीओ से जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट होते हैं उनको मौका दिया था इसरो में। तो ये सारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो इसरो के द्वारा इंप्लीमेंट करी जाती है। अगर आप इसरो को कमर्शियल एक्टिविटीज़ में देखेंगे तो इसरो NSIL जिसे आप बोलते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक मिलके अच्छा काम करती है, जिसे बोलते हैं अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, इसमें प्राइवेट ये एंटिटी है जिससे मिलके इसरो काम करके अपना देखेंगे सैटेलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो गई या फिर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई वहाँ पर काम करती हुई नज़र आती है। NSIL का क्या काम है? NSIL का काम है बेसिकली वो एक्सपैंड और एक्सपेडिएट करे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, टोटल जो सिस्टम है ये प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा रन किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे NSIL काफ़ी ज़्यादा मतलब आप देखेंगे स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज़ इनको भी बेचता हुआ नज़र आता है, जैसे आप देखेंगे जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा जो देश जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है वो सैटेलाइट भेजना चाहते हैं तो वो इंडिया से कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर वो अपनी सैटेलाइट भेजते हैं, जिसके
एवज में इंडिया को एक ह्यूज रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, अगर ये इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो हमारा रेवेन्यू और इकॉनमी और अच्छे लेवल पे जाती हुई नज़र आएगी। प्राइवेट प्लेयर्स को हालांकि देखने को मिलता है कि ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड चाहिए, हाई रिस्क होती है इसमें। और आप देखेंगे अगर कोई स्पेस क्राफ्ट है, वो जी स्पेस क्राफ्ट, मैं स्पेस क्राफ्ट की बात कर रहा था, उस समय मेरे को नाम नहीं याद आ रहा था, तो ये आप याद रख सकते हैं। जो पैल्ट्री रिटर्न है इन्वेस्टमेंट में, अगर किसी ने मान लीजिए 10 करोड़ लगाए किसी स्पेस क्राफ्ट में, अगर वो क्रैश हो जाता है या फिर कोई और इशू, तो उसको काफ़ी इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस वजह से सरकार को चाहिए कि इसमें एक बैकअप करके दे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको, जिससे कि एक रिस्क ना फील हो कि हाँ हम काम करेंगे तो हमारा पैसा नहीं डूबेगा। इसी तरीके आप देखेंगे इसरो ने अडॉप्ट की गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल को, जिसमें प्राइवेटाइजेशन ने काम किया। प्राइवेटाइजेशन को चाहिए कि इन स्पेस जो है इसे क्रिएट करे एक एक्ट, जिससे कि एक प्रॉपर इसरो और प्राइवेट पार्टीज़ हैं ये दोनों मिलके एक हारमोनी के साथ में काम कर सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें जैसी ज़रूरत हो जिसकी। उसके बाद बेस्ट जो आप देखेंगे हाउ बेस्ट टू यूटिलाइज इंडियाज़ स्पेस रिसोर्सेज, इंडिया के जो स्पेस रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अच्छे से अच्छी तरीके यूटिलाइज़ किया जा सके, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इंक्रीज़ करें अपनी स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज़, मतलब हमें और फ्रीक्वेंट और जल्दी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना होगा अलग अलग देशों से, जो जिनकी ज़रूरत है उनको केटर करना होगा। आप यहाँ पे देखेंगे विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम आईबी इंटेलिजेंस एंड ब्यूरो मिनिस्ट्री सर्वे ऑफ इंडिया को जो सक्सेस ऑफ इन स्पेस इज क्वेश्चनेबल, मतलब तब तक हमें सक्सेसफुल नहीं मिलेगा जब तक सक्सेस इन प्राइवेट एंटिटीज़ को नहीं मिलेगा, जब तक ये डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट इसमें अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे देयर आर लिमिट्स टू प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की अपनी लिमिट्स है, क्योंकि आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर जितना है सारा प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, वहीं अगर आप देखेंगे सरकार तो सरकार लोगों की भलाई के लिए, लोगों की जनता की भलाई के लिए काम करती है। इस वजह से आपको देखने को मिलेगा प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है इनको ये मिल के साथ में चले तो ज़्यादा अच्छा एक प्रोडक्टिव काम देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू सिर्फ प्राइवेटाइज आप कोई चीज़ कर दें, तो ये चीज़ है। उसके बाद आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन की लिमिट्स इसलिए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड जो लॉन्चर्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, वो सब ट्रांसफ़र नहीं करी जा सकती प्राइवेट सेक्टर्स को, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ होती हैं। मतलब मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया कि आप ये चीज़ ये लॉन्च करो सैटेलाइट, और उसने वो टेक्नोलॉजी किसी और को बेच दी, क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी, उस पर कोई किसी की लीगल क्वेश्चनिंग भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, तो इन सारे इश्यूज़ को भी ध्यान रखना होगा, तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इंडिया को चाहिए कि स्पेस लॉ, एक प्रॉपर स्पेस लॉ होना चाहिए, जिससे कि हम जो भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट एंटिटीज़ को दे रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि वो इतने लेवल तक ही ऑपरेट करेंगे। ऐसे ही जैसे इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटीज़ एंड MTCR हैं, पॉलिसी गाइडलाइंस प्रॉपर होनी चाहिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये अभी तो आउटडेटेड है, इनको प्रॉपरली अपडेट करने की ज़रूरत है। प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट मेक रेवेन्यूज फॉर देयर बिजनेसमैन इन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, वो हमेशा प्राइवेट कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए सोचती हैं। स्पेस एप्लीकेशन जो इंडिया के अंदर है उसमें चाहिए कि जो चार्ज्ड मार्केट रेट्स हैं उनको ना लिया जाए, प्राइवेटाइजेशन वुड मेक दीज सर्विसेज आउट ऑफ रीच ऑफ कॉमन मैन। अगर आप देखेंगे पूरा प्राइवेट कर देंगे तो जो एक नॉर्मल, आप देखेंगे बहुत सारी बार इसरो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनोवेटिव, जो जिनके अंदर साइंस के लिए एक अलग लेवल का एक जुनून होता है, वो उन बच्चों की भी सैटेलाइट्स को इनफैक्ट इसरो भेजता है। तो ऐसे लेवल पे जो बच्चे मोटिवेट होते हैं साइंस के लिए, उनका एक जो एक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि प्राइवेट ये सारी चीज़ें नहीं एंटरटेन करेगा। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि एज अ रिटर्न ऑफ लेस एडिशनल जॉब क्रिएशन एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिकम मोर डिफिकल्ट, वही बात कि सिर्फ क्रीम लेके आएगा प्राइवेट जो एंटिटीज़ होती हैं वो सिर्फ क्रीम लेती हैं, उन्हें चाहिए कि सिर्फ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको तो मैं खूब पैसा दूंगा, लेकिन जो एवरेज हैं मीडियोकर्स हैं उनको कोई मौका नहीं दूंगा। तो ये सारी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसरो इज़ वेल इक्विप्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसरो को आप बोल सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से पिछले 60 सालों से काम करता हुआ चला रहा है, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है और इंडिया को कई बार गौरवान्वित होने का एक मौका दिया है।
स्पेस एक्टिविटीज़ डोंट गारंटी रिटर्न्स, स्पेस एक्टिविटीज़ कोई भी रिटर्न्स गारंटी नहीं करती कि आज आपने सैटेलाइट लॉन्च करी तो कल से तुरंत इसका फ़ायदा मिलना चालू हो गया। इसलिए लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन इज गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग। वही बात जो मैंने आपको इतनी देर से समझाई कि प्राइवेटाइजेशन इसरो के साथ जो करी जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इसमें एक सारी चीज़ों को तोल मोल के काम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, आप आइडिया रख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज से कभी कोई क्वेश्चन बने तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है प्रेसिडेंशियल सिस्टम कि हमारे देश में क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो फेल होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा। आप देखा कि राजस्थान में क्या हो रहा है इस समय, विपक्ष जो है वो पक्ष जो राजस्थान की सरकार है उसकी सरकार गिराने की कोशिश में पूरी तरीके लगा हुआ है। यही काम हुआ मध्य प्रदेश में, यही काम हुआ मणिपुर में, यही काम हुआ कर्नाटक में। तो ये हर जगह ये जो पैसे का यूज़ करके, पैसे का एक लालच देके जो विधायकों को खरीदने की जो एक मंशा दिखाई जा रही है अलग अलग जो विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पे, तो आप ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी बोल सकते हैं क्योंकि हम नॉर्मली आप देखेंगे जब एक विधानसभा का चुनाव होता है तो एक नॉर्मल कॉमन मैन वोट करता है किसी अपने पर्टिकुलर विधायक के लिए और वो विधायक फिर सारे जब मिल जाते हैं उनकी मेजॉरिटी से एक कॉमन चीफ मिनिस्टर चुना जाता है जो कि पूरे राज्य का कर्ता धर्ता होता है। लेकिन अगर यही जो हम विधायक चुन के भेज रहे हैं इन्हें हम आज चुन के भेज रहे हैं, कल को ये किसी दूसरी पार्टी का सपोर्ट करने लगे तो फिर हम कैसे ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि हमने जो आदमी चुन के भेजा, जो विधायक चुन के भेजा, ये सही है या गलत। यही सारी बातें यहाँ पे करी जा रही हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है इन कंपेयर टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप देखेंगे जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंडिया को नहीं सपोर्ट करता। हालांकि ये इसमें जो ये पूरी ये जो बात बोली गई है ये इस एडिटोरियल में राइटर के द्वारा बोली गई, इसमें मेरा कोई भी अपना पर्सनल व्यू नहीं है। आप देखेंगे यूके में बहुत स्मॉल पोर्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिसमें सिर्फ 1 लाख वोटर्स होते हैं, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। इंडिया में वहीं आप देखेंगे तो 10-10 लाख, 8-8 लाख, 6-6 लाख ये बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। यूके में आप देखेंगे काफ़ी जो वो डाइवर्सिटी नहीं है जो इंडिया के अंदर है। इंडिया में आप देखेंगे कि हर आप थोड़ी थोड़ी दूरी में बोली बदल जाती है, पानी बदल जाता है, लोगों के रहने सहने का एक कल्चर चेंज हो जाता है। वो डाइवर्सिटी आपको यूके में देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका एक डेफिनेट सेट ऑफ पॉलिसीज़ और प्रेफरेंसेस होते हैं जिनके तहत वो काम करती हैं। हालांकि वही अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास कोई साउंड आइडियोलॉजी नहीं होती कि हाँ भाई हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे या फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी के लिए काम करेंगे या हम क्लाइमेट चेंज के लिए या फिर अपने इकोनॉमी के लिए। कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं, बस आप जनता ने सपोर्ट करके आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया, उसके बाद सब उनके हिसाब से चल रहा है। तो वही बात कि ये सारी आइडियोलॉजी सेट करने की ज़रूरत है। इसीलिए कहीं ना कहीं बोला जाता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी डेमोक्रेसी है, वो काफ़ी एक बोल सकते हैं आप नेसेंट फेज़ में, जिसे आप बोल सकते हैं इनिशियल फेज़ में। वहीं आप यूके की अगर डेमोक्रेसी को देखेंगे तो उसे बोला जाता है मैच्योर डेमोक्रेसी है वहाँ की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ में अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं ये एक पार्टी से दूसरी पार्टीज़ में कूदते रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं क्योंकि इंडिया के जो लेजिस्लेटर्स हैं वो लार्जली अनक्वालिफाइड हैं वो लेजिस्लेट होने के लिए। क्योंकि लॉ बनाने के लिए आप देखेंगे एक सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि आपको उस चीज़ की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप हो हाई स्कूल फेल, आपने 5वीं भी नहीं पढ़ी लेकिन आप बना रहे हो उस जनता के लिए लॉ, जो एक पढ़ी लिखी जनता है, जो समझदार जनता है, उसके लिए आप लॉ कैसे बनाओगे जब आपके पास खुद के नॉलेज नहीं होगी। आप देखेंगे एक पॉलिटिशियन के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, उसे विधायकी का चुनाव लड़ना है, अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, लड़ सकता है। लेकिन वही एक फोर्थ क्लास एक कैंडिडेट है जिसे एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उसको प्रॉपर उसके सारे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स की, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, उसकी पढ़ाई की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो चेक करे जाएंगे, उसके बाद उसका जो
सर्टिफिकेट है सारे लिए जाएंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट, तब जाके उसको कहीं नौकरी दी जाती है। वहीं पॉलिटिशियंस के लिए ये सब कुछ लागू नहीं होता, वो जैसे चाहे वैसे चुनाव लड़ते हैं, खूब करप्शन करते हैं और जैसा मन चाहे वह रहते हैं। आप देखेंगे ब्लाइंडली जो वोट होता है लेजिस्लेटर्स एज पर डायरेक्शंस ऑफ पार्टी प्रिपेयर्ड बाय मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स। तो इंडिया में ज़्यादातर जो लॉ बनाए जाते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स, IAS जो होते हैं, जो आप देखते हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ये सारे बढ़िया और अच्छे एफिशिएंट लॉज बनाते हैं, लेकिन इसमें वो लॉ तब तक लॉ नहीं बनता जब तक उसमें एक CM का ठप्पा या फिर मिनिस्टर का ठप्पा नहीं लगता। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे हमारे जो लेजिस्लेटर हैं वो किस लेवल पे हैं और उन्हें किस लेवल पे होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। मान लीजिए CM की पोस्ट है वो एक ही है, बहुत ज़्यादा होगा तो डिप्टी CM हो जाएगा, इसलिए आप देखेंगे कि लिमिटेड है। इस वजह से दोज हु आर इलेक्टेबल रादर देन दोज हु आर एबल, जो एबल जो सही मायने में उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं उनको वो चीज़ नहीं मिलती और उन्हें मिलती है जो वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते, जिन्हें सिर्फ राजनीति करनी आती है, कोई उनको सोसाइटी के जो मेजर इश्यूज़ है वो उससे इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका। तो ये सारी चीज़ें एम ऑफ लेजिस्लेटर, जो एक विधायक का जो काम है वो उसका ये काम नहीं है कि वो सिर्फ लॉ बनाए, बल्कि गवर्नमेंट को अच्छे से रन करे, अच्छी पॉलिसीज़ लेके आए, अच्छी जनता के लिए काम करे, प्रॉपर जनता की जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करे। जो मान लीजिए आपने विधायक चुन के भेजा, अगर उसको जब आपने चुना तो उससे कुछ तो एक्सपेक्ट किया ही होगा कि मान लीजिए बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है अच्छी, या फिर लोगों के बच्चों के पास नौकरी नहीं है, तो ये सारी चीज़ों पर काम करे। वो वहाँ पे जाता है, उसको 30 करोड़ रुपए मिल जाते हैं किसी दूसरी पार्टी से, वो यहाँ से स्विच करके इसमें चला जाता है। जो जनता ने इसे इतनी उम्मीदों से ऊपर भेजा कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, उसका क्या, वो तो बेकार हो गया ना, उसकी कोई जवाबदेही फिर नहीं बनती और फिर वो अपना पैसा लेके मज़ा करता है। तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंटी डिफेक्शन लॉ में बहुत बड़े लूप होल्स हैं, वो सारे लूप होल्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है। वहीं आप देखेंगे जो डिफेक्शंस होती हैं, डिफेक्शंस जो आप देखने को मिलता है दल बदल कानून, उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं अलग अलग जो विधायक होते हैं उनको, जिससे कि वो पैसा कमाने का उनको मौका मिलता है, मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है, हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, अपोजिशन पार्टीज़ अपना पैसा दे के वो सब उन जो विधायक होते हैं उनको खरीद के सरकार गिराने की कोशिश करती हैं। पार्लियामेंट सिस्टम जो होता है वो आप देखेंगे इनएफिशिएंट यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके पास कोई प्रॉपर चीज़ नहीं देखने को मिलती जिससे कि उसके हिसाब से विधायक उसके इशारे पे काम कर सकें, उसकी एक आइडियोलॉजी को आगे लेके चल सकें। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फोकस करे इलेक्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए रादर देन गवर्नेंस। अगर आप देखेंगे इंडिया में इलेक्टोरेट जो होता है वो चूज़ करता है, जो आप देखेंगे नॉट बिटवीन पार्टीज़ बट बिटवीन इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन कास्ट रिलीजन और अदर आइडेंटिटीज़। हमारे देश में आप देखने को मिलते हैं जो विधायक होते हैं अक्सर देखेंगे दलगत राजनीति देखने को मिलती है, कि मान लीजिए वो ठाकुर है तो ठाकुर का वोट ठाकुर को ही जाएगा, या फिर कोई SC कैटेगरी है तो SC का वोट SC को ही जाएगा, या फिर कोई जनरल कैटेगरी है उसका वोट, तो ये जो वोट का सेग्रीगेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जबकि होना ये चाहिए कि आप जब भी चुनाव में जाएं, चुनाव में किसी कैंडिडेट को वोट करने जाएं, तो आप उसकी क्वालिटीज़ इंडिविजुअल क्वालिटीज़ को देखिए, क्योंकि अगर आप अच्छा कैंडिडेट चुन के भेजेंगे तो वो आगे जाके एक अच्छा कैंडिडेट एज अ CM लेके आएगा, अच्छा CM बनेगा। तो अगर आप यहीं से आप उसको सिर्फ उसके रिलीजन के हिसाब से, उसके जो उसका कास्ट है उसके हिसाब से वोट करेंगे, तो कैसे आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। जो सोसाइटी में हंगर के इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, इन सारे इश्यूज़ को कैसे एड्रेस किया जा सकेगा। तो यही सब बात यहाँ पे की जा रही है कि क्या बेसिक रीज़न है। अगर आप देखेंगे फेलियर ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि पार्टी के जो लेजिस्लेटर हैं वो वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप दे देते हैं जिससे कि उनको फ़ायदा मिल सके, पैसा मिल सके और वो अपना मंत्री बन सके आगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे चाहिए जो वोटिंग है कॉन्ट्रेरी है उन पार्टीज़ डायरेक्शन टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब आप देखेंगे एक व्हिप इशू करी जाती है पार्टीज़ के द्वारा, जिससे कि मान लीजिए कोई लॉ बनाए उसके लिए वोट करना है समर्थन में या फिर नहीं करना है। तो ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं, जब नहीं मानते हैं लोग तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर किसी पार्टी से 2/3 लोग एक साथ छोड़ते हैं वो पार्टी, मान लीजिए 15 लोग की पार्टी है, तो उसमें अगर आप देखेंगे
10 लोग एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता। इसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में राजीव गांधी के तहत 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे ऐड किया गया था, तो आप ये याद रख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे रिजाइनिंग फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटर इज यूज टू बाईपास द प्रोविजंस, ये। उसके बाद आप देखेंगे जो वेरी सब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स एंटी पार्टी एक्टिविटी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक होलिस्टिक जो गाइडलाइंस नहीं है कि अगर कोई अभी आपने जैसे देखा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी में चले गए, वो इतने सालों से कांग्रेस के लिए काम करते आए थे और उन्होंने एक झटके में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अपने पैसे अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने फटाक से पार्टी चेंज करी और वहाँ पे जाके शामिल हो गए। तो ऐसे सारे जो विधायक हैं सांसद हैं इनके ऊपर एक राजनीतिज्ञ के ऊपर एक लगाम की ज़रूरत है कि कैसे इनको प्रॉपर एक सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू कराए जिससे कि वो जब भी डिफेक्शन के लिए सोचे तो तुरंत उनके ऊपर वो कानून लागू हो और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो। उसके बाद जो स्पीकर का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा एक लिमिटेड नज़र आता है, क्योंकि जब तक स्पीकर ये चीज़ बोलता नहीं कि ये डिस्क्वालीफाई नहीं करता तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपना डिसीजन दे देता है तो उसमें ऊपर से सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है, जिसमें आपको स्पीकर की जो बात है स्पीकर का जो काम है वो कटघरे में नज़र आता है। अभी हमें चाहिए कि हम फोकस करें कि जो लॉ फेल हुआ है डिफेक्शंस का बचाने के लिए उसे उस पर काम करें, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जिससे कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है डेलिब्रेशंस इन लेजिस्लेचर, मतलब जो यही सारी बातें कि जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जो विधायक चले जाते हैं उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे प्रॉपर पॉलिटिक्स में सोसाइटी के लिए काम करने के लिए कहा जाए, ना कि वो अपने पर्सनल इश्यूज़ के लिए चिंतित हों। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे देश में क्यों ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि आप देखेंगे इसमें डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है किसी भी कैंडिडेट को। मान लीजिए हमारे देश में कोविंद साहब हैं प्रेसिडेंट, डायरेक्ट हम चुने कि हाँ भाई कोविंद साहब को प्रेसिडेंट बनना है या फिर दूसरे आप किसी बोल सकते हैं मोदी जी को, तो अगर आप डायरेक्ट वोट करें मोदी जी को वोट करिए या फिर कोविंद साहब को वोट करिए, तो इनमें से जिसको आप ज़्यादा वोट देंगे वही प्रेसिडेंट बन जाएगा और उसके पास होल सोल पावर आ जाएगी, मतलब पूरी सत्ता का एक जो फोकस है केंद्र बिंदु है सिर्फ उसके पास चला जाएगा। वहीं आप अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखेंगे तो सत्ता का जो केंद्र बिंदु होता है वो किसी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं, सबके पास पावर डिवाइडेड होती है। मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर अलग लेवल पे काम करता है, चीफ मिनिस्टर अलग लेवल पे काम करता है, सबको अपनी अपनी पार्टी जो चुन के भेजती है वो उस हिसाब से काम करता है। वहीं प्रेसिडेंट में अथॉरिटेरियन चीज़ें, मतलब आप देखेंगे जैसे राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में देखने को मिलती हैं। इस वजह से अक्सर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को बोला जाता है कि ये इसके जो खामियां भी हैं इसे बोली जाती हैं, क्योंकि आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ में कई बार ऐसा देखा गया कि एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो फिर वो सत्ता छोड़ने को तैयार ही नहीं, जिसके लिए एक आप देखेंगे अरब स्प्रिंग भी आया, वो कभी फ्यूचर में बाद में बात करूँगा। उसके बाद आप देखेंगे जो चॉइस ऑफ मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव है इसमें इज़ नॉट लिमिटेड टू द लेजिस्लेटर्स, वोटर्स डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं उस आदमी को जिसको उन्हें वोट करना है। उसके बाद आप देखेंगे लेजिस्लेचर बिकम मोर इंडिपेंडेंट, इसमें इंडिपेंडेंट होता है, जो भी आपको डिसीजन लेना है वो डायरेक्ट आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती, जो आप बोलेंगे वही होगा, तो यही अथॉरिटेरियन रूल भी इसे बोलते हैं। तो ये आप देखेंगे आपको अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलेगा, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री आपको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एक एक मिक्स तरीके का देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे देश में जब इमरजेंसी का टाइम होता है तब एज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम होता है और जब नॉर्मल टाइम होता है तब पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह काम होता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ये एक मोटा मोटा मैं अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ, कभी फ्यूचर में अच्छे से डिस्कस करूँगा जब पॉलिटी के आपके लिए सारे लेक्चर्स लेके आऊँगा, लक्ष्मीकांत के सारे मैं पूरे पॉलिटी के लेक्चर्स कवर करूँगा और आपको सारे चैप्टर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊँगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मेजर ऑब्जेक्शन है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो यही है कि डिक्टेरियल कहीं अथॉरिटेरियन रूल ना आ जाए, कहीं कोई ऐसा कैंडिडेट ना आ जाए कि वो अपने आगे किसी की बात ही ना सुने और सिर्फ अपना आधिपत्य अपनी ही अपनी सत्ता बनाने की बात करे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप देखेंगे जो लीडर्स होते हैं उनमें डिक्टेरियल टेंडेंसीज होती हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं चल पाती हैं क्योंकि जनता आपको चुन के भेजती है, आपको जनता नज़रअंदाज कर देगी तो आपकी सारी डिक्टेरियल घुस जाएगी अंदर।
ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, आपको अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कोई भी इशू हो तो वो बताइए मुझे, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आपको अगर मेरे इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरे IAS सूत्रा चैनल से जुड़ के टेलीग्राम में फ्री में ये सारी स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर, थैंक यू गाइस, जय हिंद।